हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, हम लोग देख चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था अभी। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल उसके हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल सभी बाकी हैं। तो अब थोड़ा कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अब लेने जा रहे हैं किसको? एक्स रेज। अब एक्स रेज का न्यूमेरिकल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल, बेटा दोनों मिलता जुलता न्यूमेरिकल है। तो अभी जब हम एक्स रेज का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुरंत लिया जाएगा, फिर उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो एक्स रेज, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्स रेज का न्यूमेरिकल अभी इस एपिसोड में, यानी कि अभी मैं थ्योरी लेने जा रहा हूँ और थ्योरी के बाद एक्स रेज और प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल को भी फिर से सॉल्व किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करनी है। तो चलिए, नया चैप्टर तब तक हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए। और नया चैप्टर है हम लोगों का क्या? एक्स रेज। क्लियर ना? चलिए, तो एक्स रेज हम लोगों का चैप्टर है। एक्स रेज के विषय में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में पहले ही दे चुका हूँ। एक्स रेज क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है ना, ये क्या है। लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा उसका कुछ पार्ट आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं, और बाकी डिटेल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जा करके वहाँ अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन चलिए फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्स रेज। तो एक्स रेज है क्या बेटा? एक्स रेज यह भी पीछे चूँकि पढ़े हुए हैं इसलिए कोई दिक्कत है नहीं बेटा। यह भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये भी क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये फॉलो करता होगा। करता होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल करता होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी भी स्पीड कितनी होगी? तो स्पीड इक्वल टू सी इक्वल टू 3×10^8 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड इसकी भी होगी। इसमें भी दो वेक्टर होंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर होंगे बेटा, है ना। दोनों वेक्टर होंगे। दोनों वेक्टर हमेशा ही एक दूसरे के किस पर होंगे? परपेंडिकुलर होंगे ना। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जो डायरेक्शन होगा इसका ना, जो स्पीड होगी सी, ये होगी, यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, हमेशा होते हैं ना। जो भी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब कुछ क्लियर मीन्स कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और स्पीड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह सब के सब तीनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। और क्या पढ़ा है आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में? कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और क्या मैग्नेटिक वेक्टर दोनों हमेशा बोथ आर इन सेम फेज। पढ़ाना सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आप ये पीछे वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो मैं फिर से उसको नहीं लेना चाहता ना, यहाँ पे फिर से रिवाइज करने का टाइम नहीं है। तो पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा पार्ट ना, जितने भी पार्ट होंगे तो खूब ज़बरदस्त अच्छी तरह से पढ़ डालिएगा। चलिए यहाँ पर आइए, हम लोग का मेन टॉपिक क्या बेटा? एक्स रेज। अब जैसा ये देखा जाए कि जो स्पेक्ट्रम बनाए थे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो स्पेक्ट्रम बनाए थे, तो उस स्पेक्ट्रम में नंबर ए पर कौन सी वेव आई थी? याद है नंबर ए पर कौन थी आई थी बेटा? कौन सी वेव थी? गामा रेज थी ना, नंबर एक पर थी। फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी लिख बेटा वहाँ पे, लिखते चलिए मेरे साथ ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि पीछे से पढ़े हुए हैं तो मैं शॉर्ट में बस रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का ना, बहुत ही शॉर्ट में बेटा मैं यहाँ पर रिवाइज करूँगा। चलिए, तो यहाँ रिवाइज नहीं करूँगा मैं, बस इन्फॉर्मेशन केवल दे रहा हूँ कि एक्स रेज हम लोग का कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो देखिए, तो नंबर वन पर कौन था बेटा स्पेक्ट्रम में? गामा रेज था नंबर वन पर गामा रेज था। नंबर दो पर कौन था? एक्स रेज था। नंबर तीन पर कौन था? यूवी था।
यूवी रेज था ना, और आगे एंड सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम पे देखा जाए तो इसका आर्डर कौन सा है, नंबर दो पर, गामा के ठीक, गामा रेज के ठीक बाद है एक्स रेज, उसके बाद है यूवी रेज, उसके बाद है यूवी के बाद में कौन सी है, लाइट है, विजिबल लाइट है, एंड सो। ता डिटेल सब कुछ पूरा जबरदस्त स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ बेटा दिया गया है, कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में दिया गया है, वहाँ पर देख लेंगे। तो ये इसका यानी कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में सेकंड नंबर पर इसका पोजीशन है। ओके, अब बात रही कि इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो वेवलेंथ इसकी 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ना 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है, ये है इसका वेवलेंथ। अब एक्स रेज का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, थोड़ा सा ये चलते हैं बैक हिस्ट्री में चलते हैं, यहाँ पर एक्स रेज की बैक हिस्ट्री क्या थी बेटा, कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही दो जो इन्वेंशन थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे ना। आइए चलिए भाई देखते हैं क्या था। तो बात है ना बेटा, चलो बेटा अभी हम यहाँ आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो बात है 1895 की जर्मन साइंटिस्ट डब्ल्यू सी रंजन। ओके, तो इसने ये देखा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसने ये देखा कि ए न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन, जब एक्स रेज का नाम किसी को पता नहीं था, तो जब एक्स रेज का नाम किसी को पता नहीं था बेटा, तो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान डब्ल्यू सी रंजन 1895 में यह देखा कि ये न्यू टाइप का एक रेडिएशन देखा ना, एक न्यू टाइप का रेडिएशन देखा। तो इन्वेंशन तो उसने तुरंत ही कर दिया ना, और उसको कोई नाम नहीं पता था। तो उस जब इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी, बड़ा लॉजिकल है, तो जब इस नाम कुछ पता नहीं था इसका, तो अब सोचा कि उसका नाम क्या रखा जाए, उसका नाम क्या रखें। तो जर्मन भाषा में कुछ नहीं को एक्स बोलते हैं, कुछ नहीं मतलब कुछ पता नहीं था, बस यूं ही उसको कह दिया कि एक्स वेव, तो एक्स वेव क्या, और बाद में वही बन गया एक्स रेज। लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टी का स्टडी किया, उस समय तो हल्के में लिया गया, लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया, और ये बात कब की है बेटा, ये बात है दिसंबर का महीना है वो, तो दिसंबर 1895 की बात है। तो उस समय तो हल्के में लिया, लेकिन बाद में जब इसका रिसर्च किया उसने और देखा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी वही एक्सीडेंटली ये हुआ था, सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ, सोच करके नहीं कहता कि हम एक्स रे का इन्वेंशन करने जा रहे हैं, तो ये एक्सीडेंटली हुआ था। तो जब देखा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये देखा कि यह इसके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि यह फ्लैशेस वगैरह ना मसल्स वगैरह को पार कर जा रहा है, हल्के फुल्के सीट को पार कर जा रहा है ना, लेकिन यह बोन और मेटल की जो धातुएँ हैं, यानी कि जो मेटल है यानी कि जो धातुएं हैं उनको नहीं भेद पा रहा है, लेकिन ये मसल्स से भी बाहर चला जा रहा है। फोटोग्राफ लिया तो देखा कि मसल्स को भी पेनिट्रेट करके बाहर चला जा रहा है, और ये शैडो का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये शैडो का फॉर्मेशन होना उसके बाद में तो मेडिकल में रिवॉल्यूशन आ गया, शैडो का फॉर्मेशन होना, एक्स रेज। तो ये प्रॉपर्टीज़ की कौन सी प्रॉपर्टी, पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी, तो ये मसल्स को भेद करके बाहर चले जाना, मीन्स पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ दिस वेव वॉज द वेरी 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 वैल्यूएबल। अब लेकिन ये बोन को भेद करके बाहर नहीं जा पा रहा था, तो इस प्रॉपर्टी का मेडिकल में तुरंत ही बहुत ही जबरदस्त यूज होना एक्सरे शुरू हुआ। जबकि आजकल की भाषा में तो जानते ही हैं कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो एक्सरेज तो सबसे पहले लिख दिया, दो चीज़ें तो तुरंत लिखता है, क्या, ब्लड टेस्ट, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, तो ये दो तीन तीस पर पक्का है कि तुरंत होना ही होना है। तो अब इतना कॉमन हो चुका है एक्सरेज ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी और क्या वैल्यू थी उसी समय, तो ये देखा गया
कि कहाँ से, तो ये एक पूरा वाइड रेंज था इसका, यानी कि 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक पाया गया, ये प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लिया गया कि वो एक्स रेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स रेज नाम दे दिया उसका। ओके चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दिसंबर 1895 की चूँकि बात थी, और इसके बाद तुरंत एक महीने के बाद ही, यानी क्या कि जनवरी 1896 में इसी रेज का जे जे थॉम्सन स्टडी कर रहा था। कहाँ पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यूके में। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जे जे थॉम्सन इस पर जब यह इसका इन्वेंशन हो गया, डब्ल्यू सी रंजन ने जब बताया कि हाँ यह नए टाइप का रेडिएशन मिला हुआ है, तो जनवरी 1896 यानी जस्ट एक महीने के बाद ही जे जे थॉम्सन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। वही जे जे थॉम्सन जो इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया था। सोचिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब। तो इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वह उसी समय रिसर्च इस पर करना शुरू किया, और ये देखा कि इसी प्रॉपर्टी देखा जा रहा था कि इसी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी में देखा गया कि तुरंत ही जे जे थॉम्सन ने देखा कि जब ये पास कर रही थी गैसेस से, जब इसको पास करा जा रहा है तो गैसेस को आयोनाइज कर दे रहा है, मीन्स कि आयोनाइजेशन प्रॉपर्टीज़ की जो थी, या आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ एक्स रेज इन्वेंटेड बाय जे जे थॉम्सन इन 1896 जनवरी 1896 कि देखा है कि यह गैसेस को आयोनाइज कर दे रहा है, ये एक्सरे जब पास कर रही है तो यह गैसेस को आयोनाइज कर दे रही है। तो दिस वाज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम। तो अब इससे क्या हुआ, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हुआ, यह इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट हुआ कि यही तो बेस बना। हाँ, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था, तो यही तो बेस बना किसका, तो विच वॉज द बेस ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897 बेटा याद करिए, 1897 में यह गैस के आयोनाइजेशन के समय ही इलेक्ट्रॉन का पता चला था। बात समझे? अभी तक आप ये कहते थे कि ये पता था कि हाँ इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन जे जे थॉम्सन ने किया, वो कैसे किया था, तो एक्स रेज जब गैस से पास कराई गई तो गैस का आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन जानते हो क्या होता है, जो बाहर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा, जब अपने ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं हाई एनर्जी पा करके, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन, आयनीकरण हिंदी में बोलते आयोनाइजेशन, आयनीकरण। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से जानते हो कि एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्लस चार्ज आ जाता है, तो एक प्लस चार्ज आ गया उसको कहते हो आयोनाइज हो गया, यानी कि आयोनाइजेशन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया एटम पर, एक प्लस चार्ज हो गया। दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो प्लस चार्ज हो गया, तीन निकले तो तीन प्लस चार्ज हो गया। ओके कम ऑन। तो 1897 में क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यह इन्वेंशन किसने किया बेटा, कौन था करने वाला, जे जे थॉम्सन। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट दिसंबर 1895। डब्ल्यू सी रंजन उसका इन्वेंशन करता है एक्सरे का, और ठीक एक महीने बाद में इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो जाता है उसी एक्सरेज से। ओके फैंटास्टिक, क्लियर यहाँ तक हो गए, एक्सरेज की हिस्ट्री क्या है इसका। चलिए अब आ जाइए, इसके बाद तो तमाम इसकी प्रॉपर्टीज नोट की गई। तो पहले तो ये हम लोग क्लियर हो गए बेटा, अब यहाँ तक श्योर हो गए आप
क्या एक्सरेज क्या होती है, इसका इन्वेंशन किसने किया, इसका इन्वेंशन किस सन में किया गया, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, क्लियर, और इसके इन्वेंशन होने के बाद में तुरंत ही इसका कहां पर यूज मैक्सिमम किया गया, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन कैसे हुआ, ये सारे पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या क्यों कैसे। हाँ, अब बात रही कि इसकी अदर प्रॉपर्टीज क्या थी, आइए देखा जाए। चलो, तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या थी, तो आइए साहब, नहीं पहले तो अभी हाँ हम लोग एक पॉइंट लिखे थे बेटा, तो चलिए पहले प्रॉपर्टी लिख लिया जाए तब फिर आगे चलते बेटा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या थी इसकी, मेन प्रॉपर्टीज इसकी क्या थी, तो जैसा कि अभी देखा नंबर वन पर, तो सबसे पहले तो यही था, दो चीज़ें तो हमारे सामने पहले ही आ चुकी हैं। नंबर वन पर कौन सा बेटा, नंबर वन पर कौन सा कि आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, अब ये भी देखा नंबर एक पर देख लिया आपने। नंबर दो पर देखा कि इट प्रोड्यूसेस शैडो ऑफ बोन्स एंड और किसका एंड हैवी मेटल्स का शेडो का फॉर्मेशन करती है, क्लियर हो गया बेटा। चल अब आ जाओ अगला प्रॉपर्टी में क्या था बेटा, नंबर वन नंबर टू हो गया, आ जाओ नंबर थ्री पे चलते हैं। आगे क्या था, ये देखा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसकी और थी ना, और क्या था बेटा, तो नंबर अगला नंबर पे जो प्रॉपर्टी थी वो था कि दीज यानी कि एक्स रेज, ऐसे लिख दिया जाए डायरेक्ट, एक्स रेज अफेक्टेड फोटोग्राफिक प्लेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी जो डेली यूज होती है, फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो फोटोग्राफिक प्लेट का यानी कहा जाए कि वाइडली यूज होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, तो वाइडली यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही है बेटा कि इसका इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करना, इसका ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग मान सकते हैं बेटा, ना जो मेडिकल में ना जो मेडिकल लाइन्स में हमेशा बार बार यूज होता है, क्लियर। तो यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी थी और देखिए अब यह हुआ क्या, इसके बाद में जे थॉम्सन ने जो ही इसका इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, तो एक महीने के बाद ही ना, एक महीने के बाद ही मींस कि 1896 में जनवरी में उसी समय पहला पेशेंट, मतलब आप कह सकते हो कि जब यह एक्सरेज का इन्वेंशन हुआ था उसी समय रेडियोलॉजी जो टर्म आप यूज़ करते हो बेटा रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी का इन्वेंशन भी आप तभी से मान सकते हो जब से एक्सरेज का इन्वेंशन हुआ था, क्लियर। और एक महीने के बाद ही अप्रॉक्स एक महीने से दो महीने के अंदर ही इसका वाइडली यूज होना शुरू हो गया। पहला पेशेंट 1896 में ही पहला पेशेंट इससे रेडियोथेरेपी यूज किया गया, यानी कि रेडियोथेरेपी के द्वारा पहला पेशेंट ठीक किया गया। चलो फिलहाल आ जाइए, उन्हें डीप में हम लोग नहीं जाना है कि उस पेशेंट का नाम क्या था, क्या है, कैसे है ना बेटा, बस यहाँ तक बहुत है। तो फोटोग्राफी प्लेट का एक्स रेज का फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करना ना, या दिस वाज द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेंशन। अगला पॉइंट क्या बेटा, चलिए अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग, इसके बाद क्या बातें हैं। जो एक्स रेज है जानते हैं हम लोग, मैं आपसे कहूँ कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस पे चार्ज होते हैं, किसे मारेगा आंसर, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस पे चार्ज होते हैं, या कौन सी वेव है जिस पे चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर किसी पे चार्ज नहीं होते, कौन सी वेव है जिस पे चार्ज होते हैं, हाँ है एक है जो गामा के पहले आती है एनर्जी में, लेकिन वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, कौन सी, कॉस्मिक रेज।
तो कॉस्मिक रेज एक्चुअली होते ही क्या हैं? कॉस्मिक रेज चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, चार्ज न्यूट्रॉन्स होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं कॉस्मिक रेज। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई ऐसी वेव नहीं है जिसके ऊपर चार्ज होते हैं। तो क्या एक्सरे पर होता है? नो। तो जब यह एक्सरे पर चार्ज बेटा होता नहीं तो यह किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अपने पाथ से डेविएट होगा नहीं। तो स्ट्रेट मोशन, यानी कि यह भी एक इसकी खास प्रॉपर्टी थी, यह भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी थी कि इसका मोशन स्ट्रेट था। यदि ये जैसा सोचो कि यदि मोशन इसका स्ट्रेट नहीं होता तो क्या यह जो शेडो बनाता है बोन का जो शेडो फॉर्म करता है फोटोग्राफी प्लेट पर, तो क्या वह प्रॉपर्टी मिलता? नहीं। तो स्ट्रेट लाइन में चलना ही, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो स्ट्रेट लाइन में चलना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना एक्सरेज का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच मेक्स द शैडो। इसी कारण से शैडो का फॉर्मेशन होता है। यदि स्ट्रेट लाइन में न चलता तो शैडो का फॉर्मेशन न होता। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात होता है कि ऑप्टिक्स जब पढ़ते हो तो कहते हो कि अम्ब्रेला हम लोग लगाते हैं, छाता लगाते हैं, छाता अम्ब्रेला जो यूज़ करते हो, तो वह कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जिसकी वजह से अम्ब्रेला यूज में काम में आता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द लाइट रेज, लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं, इसलिए आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। यदि वह इधर उधर अपना रास्ता बदल करके यदि आपके तब आपसे पास पहुंच जाता तो आप अम्ब्रेला लगा के क्या करते? छाता लगाने से कोई फ़ायदा होता? लेकिन नहीं। तो वह यदि मैं कहूँ आपसे कि कौन सी प्रॉपर्टी जिस वजह से आप अम्ब्रेला का यूज़ करते हो, तो आप क्या कहोगे? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द लाइट। तो मैं यदि आपसे कहूँ कि शैडो का फॉर्मेशन फोटोग्राफी प्लेट एक्सरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वह कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो इसका सीधी रेखा में चलना यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, तो चलिए बेटा अब आ जाओ अगला पॉइंट पर चला जाए। ठीक, तो अब हाँ बात हम लोग कर रहे थे कि चूँकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो जब चार्ज नहीं होता, सिंस इट हैज़ नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन द एक्सरेस, देयर आर नो चार्ज ऑन द एक्सरेस, इस पर कोई चार्ज होता नहीं तो देयर आर नो चार्ज ऑन द एक्सरेस, सो इट डज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। हो बेटा, अच्छा और क्या बेटा इसके बाद क्या है? इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करना, यानी कि जब किसी या फ्लोरिसेंट कोटिंग पर या ऑक्साइड पर पड़ता है ना, तो फ्लोरेसेंस यानी कि इसमें चमक उत्पन्न होती है, ये भी प्रॉपर्टीज की है ना। चलो बेटा, तो ये है एक्स रेज की मेन प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्लियर, आ जाओ अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, अब इसके बाद बात रही कि इसको एक्सरेज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो देख लिया हम लोगों ने। हाँ, अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अभी देखा हम लोगों ने कि वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज कहाँ से कहाँ तक होती बेटा, तो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कहाँ तक, 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ये इसकी वेवलेंथ है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर ये दो पार्ट में कैटेगरी बनाई गई पहले ना, पहले दो कैटेगरी बनाई गई, तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। तो क्या कहाँ से कहाँ तक बांटा गया, तो टाइप। तो अभी हम लोग ना आगे देखेंगे कि क्या है, बहुत डिटेल है बेटा ये, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही डिटेल है, अभी मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ केवल बस। तो ये टाइप बेटा क्या हुआ, तो ये टाइप कितनी बात है, तो टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेटिंग
पावर। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर एक्स रे इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। नंबर वन हार्ड एक्स रे, और नंबर दो सॉफ्ट एक्स रे। अब हार्ड एक्स रे सॉफ्ट एक्स रे ये क्या है बेटा? देखो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ना 10 एंगस्ट्रॉम तक, इसको कहते हार्ड एक्स रे। ऐसा क्यों? बिकॉज पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर, बिकॉज हायर पेनिट्रेटिंग पावर। और इसको अब यहाँ से लेकर के कहाँ से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक, यानी 10.1 कर सकते हैं हम लोग। तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम की जो बची हुई थी ना, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट एक्स रे। एंड व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज यस बिकॉज लोअर पेनिट्रेटिंग पावर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर इट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। अब एक दो राइटर्स वगैरह कोई किताब किताब के लिख दिए हैं इसको 0.1 से 4 लिख दिया, इसको ना 0.1 से लिख करके वह 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये 4 नहीं होता बेटा, ये 10 होता है। क्लियर? तो हम कह रहे हैं ये 10 होता है, तो 10 होता है तो 10 होता है। ओके, तो ये 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम नहीं होता है, और 10 से लेकर के 100 तक, 10.1 मान ले सकते हैं आप, तो 10 से ही शुरू हो जाता है, तो 10 से लेकर के 100 तक इसको सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। तो यह तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम नहीं है, तो दो कैटेगरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एक्स रेज, एंड वन इज द हार्ड एक्स रेज एंड अदर इज द सॉफ्ट एक्स रेज। विच हैज हायर मोर पेनिट्रेटिंग पावर, दैट इज कॉल्ड हार्ड एक्स रेज, एंड विच हैज लोअर मीन्स द स्मॉलर पेनिट्रेटिंग पावर, दैट इज द सॉफ्ट एक्स रेज। तो यू कैन डिवाइड ना ओवरऑल, यू कैन डिवाइड इन टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पेनिट्रेटिंग पावर। क्लियर? अब सवाल ये हुआ कि यह प्रोड्यूस कैसे होता है, और सबसे पहले इसको लैब में किसने प्रोड्यूस किया? तो अब वहाँ पर इसको प्रोड्यूस करने वाले दो साइंटिस्ट हैं। एक तो सबसे पहला जो प्रोडक्शन किया इसका, तो WC रंजन ने खुद ही अपना प्रोड्यूस किया, तो उसको बोलते हैं रंजन ट्यूब। तो रंजन ट्यूब से प्रोड्यूस किया, और दूसरा एक साइंटिस्ट था जो रंजन के बाद प्रोड्यूस किया, उसने किया कूलिज ट्यूब। तो कूलिज ट्यूब को कहते हैं मॉडर्न ट्यूब, यानी कि इसका प्रोडक्शन यदि कहा जाए कि ट्यूब से ही इसका प्रोडक्शन होता है बेटा, इसका प्रोडक्शन। तो अब ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पर हमको ना, तो इसके प्रोडक्शन के देखें ये कैसे हुआ। तो यहाँ दो बातें हैं, एक कौन सी? एक तो ये है कि रंजन ट्यूब यानी कि इसको आप कह सकते हैं इनिशियल, यानी कि जो ओल्ड मेथड था वो था, या यूँ कह सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज, वन इज द रंजन ट्यूब एंड अदर इज द मॉडर्न ट्यूब। मॉडर्न ट्यूब मीन दैट इज द कूलिज ट्यूब। तो रंजन ट्यूब एंड कूलिज ट्यूब, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज द टू टाइप्स, रंजन ट्यूब एंड द कूलिज ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं? इसको मॉडर्न ट्यूब भी कहते हैं बेटा, मॉडर्न ट्यूब भी कहते हैं इसको ना। ओके, तो ये दो टाइप हैं इसके। तो हम लोग इसमें से कोई भी, तो रंजन ट्यूब तो नहीं लेते, जनरली हम लोग यूज पढ़ते हैं बेटा इसको कूलिज ट्यूब को, देखे प्रोडक्शन कैसे कूलिज ट्यूब में कैसे प्रोडक्शन होता है। चलिए, तो ये तो अभी हम लोग आगे आएगा, अभी देखा जाएगा कि कैसे प्रोड्यूस होती है ना, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होता है। चलो बेटा, अब सवाल ये है कि हाँ यहाँ पर कुछ और बातें, ये तो अभी देखा जाएगा हम लोग कूलिज ट्यूब से कैसे एक्सरे प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है? एक्स रेज के प्रोडक्शन का प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज? द पॉइंट, राइट द पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। अब ये दोनों भी, चाहे वह
रंजन ट्यूब हो या चाहे वह कुलिश ट्यूब हो, दोनों का प्रिंसिपल तो प्रोडक्शन का एक ही ना होगा। एक्सरेज का प्रिंसिपल तो प्रोडक्शन का एक ही है, चाहे जिस तरीके से किया जाए, लेकिन उसका जो मेन प्रिंसिपल है वह तो एक ही है। तो राइट द पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, तो अब लिख दीजिए क्लाइंट कि इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स क्या व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स ऑन ए रिजिड सरफेस, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, ऑफ सरफेस बेटा कैसा होना चाहिए, माइंड हियर, ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ध्यान दीजिए बेटा, हायर मॉलिक्यूलर वेट। नंबर सेकंड, हायर मेल्टिंग पॉइंट। एंड और क्या, नंबर थर्ड, लोअर वेपर डेंसिटी। लोअर वेपर डेंसिटी। तो अब किसी ऐसे, यस माइंड हियर, व्हाट इज द फैंटास्टिक प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज क्या प्रिंसिपल था। तो अब यहां पर जो मेन शब्द पाए आप कि इट इज द रिवर्स माइंड रिवर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट मीन्स व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ऑन ए रिजिड सरफेस ऑफ किसका, हायर मॉलिक्यूलर वेट। हायर मॉलिक्यूलर वेट, देखो बेटा, तो फास्ट सरफेस ऑफ मेटल और कैसा होना चाहिए, हायर मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। दूसरा क्या, हायर मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि पिघल ना जाए वह। नंबर तीन पे क्या होना चाहिए, लोअर वेपर डेंसिटी उसकी होनी चाहिए। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी मस्ट है। अब सवाल ये है कि यह ऐसा कौन सा मेटल है कि जिसके अंदर ये मिलेगा। तो पहली बात है कि अभी उस पॉइंट पर जाने के पहले अभी जैसा इसको और देखा जाए। देखो तो अभी फिर से आ जाइए, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चूँकि अभी इसीलिए जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद तुरंत एक्सरेज बताया जाता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेज ना, जो इंडिया के टॉप टीचर्स होते हैं वो एक साथ पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं ना, जैसे अब समझो। ओके कम ऑन, चलो बेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके बेटा, चलो अब रिवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट अभी फिनिश किया है इसको ना, न्यूमेरिकल अभी चल रहा है, थ्योरी अभी फिनिश किया है। तो क्या था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस एंड लेट इट हैज फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन एज लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स एट जस्ट इलेक्ट्रॉन इमिटेड, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ द लाइट एंड इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी हिंदी में, हाँ, ज्यों ही प्रकाश की किरणें पड़ती हैं धातु के ऊपर और यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
यानी कि जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्त देहली आवृत्त से ज़्यादा है, यानी कि उसकी आवृत्त फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो लाइट के सरफेस पर पड़ते ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन तुरंत हो जाता है, एट जस्ट, देयर इज नो टाइम लैग, यानी कोई भी समय का अंतराल नहीं होता। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, यू विल नो दैट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ओके, क्लियर हो? पक्का? आ जाओ, अब इसका उल्टा बोलो तो। हाँ, उल्टा बोलो भाई, जल्दी उल्टा बोलना है। रिवर्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उल्टा बोलो जल्दी, मैं तो डायग्राम बना दूँ। उल्टा बोलिए। हाँ, उल्टा बोलना है और क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा बोलो। चलो बेटा देखो, उल्टा हम बोल दे रहे हैं, आ जाओ। जैसे मान लो कि ना, जैसे मान लो बेटा यह कोई एक टारगेट है, अभी हम लोग बाद में पूरा डिटेल देखा जाएगा, समझा जाएगा ना को ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमको थोड़ा सा बताना है कि कैसे प्रोडक्शन होता है बेटा। चलो जैसे सपोज करो कि यह कोई एक मेटल का पीस है, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त एक मेटल का पीस है बेटा, ठीक है, ये एक मेटल का पीस है मेटल, और मेटल में कौन कौन हो सकता है, तो नंबर वन पर लेते हैं टंगस्टन, टंगस्टन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते बेटा, और नंबर दो पर यदि ये नहीं है तो ले लेते हैं ना, तो ले लेते हैं मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम रहते बेटा। इनके अंदर ही ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है, दो मेटल आपके सामने एग्जांपल के रूप में मैंने लिया है, यह तीनों प्रॉपर्टी इनके इन्हीं के पाई जाती है। तो जानते हैं टंगस्टन बहुत ही महंगी धातु है ना बेटा, बहुत ही महंगा है, तो लेकिन उसका जो टारगेट होता है इसको बोलते टी बोलते बेटा, इसको ना इसको बोलते हैं टी, इसको नाम ही है टारगेट, इसको टी बोलते बेटा ना, इसका नाम है टारगेट। तो अब होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द प्रोडक्शन मैं केवल बता रहा हूँ बेटा, यहाँ कुलिश ट्यूब नहीं, कुलिश ट्यूब तो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ केवल प्रोडक्शन सिखा रहा हूँ आपको। तो यह मेटल है, इसका नाम है टारगेट ना, इसको बोलते हैं टारगेट बोलते बेटा, इसको टारगेट बोलते हैं। तो चलो अब जैसे सपोज करिए कि ये, हाँ अब चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट गिरती थी, इलेक्ट्रॉन निकलता था, अब इलेक्ट्रॉन गिरेगा लाइट निकलेगी, ये उल्टा हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन गिरेगा लाइट निकलेगी, देखिए फास्ट मूविंग वेरी वेरी फास्ट मूविंग, ऑल दीज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गोज टूअर्ड द टारगेट विथ वेरी हाई स्पीड, विद वेरी हाई स्पीड कहाँ से मिलेगा, वेरी हाई स्पीड विद द हाई पोटेंशियल डिफरेंस ना, अभी आगे बताऊँगा कूलिश ट्यूब में, जब बताऊँगा बेटा जब डायग्राम बनाऊँगा ज़बरदस्त, तो वहाँ पर दिखाऊँगा, अभी यहाँ प्रिंसिपल समझा रहा हूँ आपको कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो यह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग वेरी फास्ट विथ वेलोसिटी वी, वेरी फास्ट वेलोसिटी मूविंग एंड गोज टू हिट दिस टारगेट, अभी गया ये इलेक्ट्रॉन गया और जा करके यहाँ पे क्या किया, टकराया, टकराते ही क्या होगा, टकराते ही ना यहाँ से चमक उत्पन्न होती है, चमक मीन्स कि आप जैसे मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि रेज उत्पन्न होती है, और वो कौन सी रेज, क्या नेकेड आई से देखते हो, नो नेकेड आई से आप उसको नहीं देख सकते, तब कैसे देखोगे, तो फोटोग्राफी प्लेट रखोगे, फोटोग्राफी प्लेट पर कोई भी बोन वगैरह कुछ भी है ना, मसल्स वगैरह कुछ भी है, या कोई ऐसी कोई भी पिन वगैरह है, लोहे की कोई किल वगैरह है, रास्ते में रख दिया जाए तो उसका शेडो आ जाएगा उसका, क्लियर, तो अदर हिस्से को भेद करके बाहर निकल जाती है। तो जो फोटोग्राफी प्लेट होता है ना, एक्सरे देखे ना, प्लेट देखते हो ना एक्सरे का, तो जो पूरा वो ब्लैक कलर की होती है पूरी प्लेट, तो जहाँ जहाँ जिस पोर्शन पे जो यह रेज पड़ती है तो पार निकल जाती है डायरेक्टली विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो वह वाइट दिखता है, और जहाँ पर कोई उसे रास्ते में रुकावट होता है उसका शेडो फॉर्म कर देता है, जिसको एक्सरे से देखा जाता है, कहीं पर क्रैक वगैरह है हड्डी में, कहीं बोन में कहीं क्रैक वगैरह है तो पता चल जाता है, क्लियर, और अंदर जैसे मान लीजिए कि कहीं पर टिश्यूज हैं, टिश्यूज में कोई चेंज है,
टिश्यूज में कोई भी चेंज है, तो टिश्यूज में कोई चेंज है तो उसका एक्सरे लेते हो, तो डिफरेंट पार्ट से जब डिफरेंट मसल्स के डिफरेंट पार्ट है, यानी एक मसल है या तो मसल पर अभी पड़ा तो मसल के बगल में कुछ भी डिफरेंट पार्ट है तो वह शो कर देता है उसको कि हाँ यह डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो उसकी शैडो बनी है शैडो में ही वह क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ से जहाँ से पार चली गई है इसका मतलब वो वाइट हो जाएगा, जहाँ से नहीं पार गई है वो हल्का सा ब्लैक वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरह से एक्सरे एनालिसिस कर लोगे। फिर अभी डॉक्टर बनने की बात करना है आपको है तो मैं यहाँ पर अभी दिखा रहा हूँ थ्योरेटिकल उसका जो है पॉइंट क्या है। चलो बेटा अब यहाँ से क्या है, चलो अब देखो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग P100 फिजिक्स। क्या हो रहा है? एक्सरेज की धुनाई कर रहे हैं हम लोग। एक्सरेज क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से शुरू हुआ, ना भूतो ना भविष्य थे। क्लियर? तो कुछ ज़बरदस्त तरीके से देखिए इसको कि क्या है एक्सरेज, पूरी हिस्ट्री उसकी, ऐसा कुछ भी ना रहे जो आपसे पूछा जाए और आप न जानते हो। क्लियर? तो अभी तो यह इंट्रोडक्शन चैप्टर का है, अभी तो आगे बहुत कुछ है। तो फिर चलिए बेटा, तो यहाँ पर अब जब ही ये फर्स्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो ही जाके टारगेट पर टकराया, तो टकराते ही यह बंदर क्या होता, पूरा मैकेनिज्म आगे एपिसोड में मैं बताऊंगा कि सब कुछ क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्सरेज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की ना के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, ये सब क्या होती है, मसलेज लागर, सब बाद में पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर सिंपल वे में ओनली द सिंपल इंट्रोडक्शन। तो हुआ क्या? हाँ बेटा इसको हटा दें। प्रॉपर्टीज तो मालूम हो गया, टारगेट कैसा है होता है। चल तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, व्हाट इज द प्रिंसिपल। चलिए अब जो ही है लाइट पड़ी ना, जो ही इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराते ही यहां क्या एक्सरेज, देखिए ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, नहीं देख सकते है ना, नेकेड आई से नहीं देख सकता। ये है क्या एक्सरेज, देखिए ये है एक्सरेज। मीन्स अब जब देखिएगा, अब जस्ट रिवर्स है कि नहीं, बिल्कुल जस्ट रिवर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट रिवर्स है कि नहीं, पक्का है 100% है। क्यों? वहाँ पर लाइट पड़ रही थी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है तो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, और यही है यानी कि इसकी का नाम क्या है, इसी को कहते हो ना एक्स रेज कहते हो। अब जो भी पेशेंट है जिसका एक्सरेज करना है उसको यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ पर जिस पार्ट का एक्सरेज करना है उसको यहाँ लिटा दो और लिटा के उसका एक्सरेज ले लो, एक्सरे फोटोग्राफी प्लेट होगी, एक्सरेज देखे ही कैसा होता है, यहाँ पर उसके बॉडी का एक्सरेज हो गया। क्लियर? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज, फंटास्टिक। चलो बेटा तो मिला क्या हम लोगों को कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ना, रिवर्स प्रोसेस, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट द पॉइंट, नोट करिए फास्ट वहाँ पे, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बाद अब आइए, तो ये तो प्रिंसिपल था बेटा। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा इसे मिटा दूं और इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं तो हम लोग का बन जाएगा ना कूलिज ट्यूब बन जाएगा, तो इसी पर कर दिया जाए तो बेहतर होगा। आ जाओ ये नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए तो मैं बना दूँ, इसी में से सब मिटा करके मैं यहीं बना देता हूँ, कूलिज ट्यूब हो जाएगा, नहीं तो ये सब फिर टारगेट वगैरह फिर से बनाना पड़ेगा। हो गया बेटा, बन गया सबका। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे ये जो लिखने का काम है इसको हटा दिया जाए, टारगेट किसका बना होता है सब कुछ क्लियर है। चलिए आ जाइए, चलो आ जाओ,
अब यहाँ से हम लोग अब हेडिंग डाल दें यहाँ पे कूलिज ट्यूब, प्रोडक्शन ऑफ रेज बाय कूलिज ट्यूब, प्रोडक्शन एक्स रेज बाय कूलिज ट्यूब मीन्स कि मॉडर्न ट्यूब ना, कूलिज ट्यूब। आ जाओ, तो ये तो हम लोग का टारगेट है, ये तो ऐसे रहने दीजिए, ऐसे ही टारगेट है। अब हाँ, मैं यहाँ डायग्राम बना दूँ थोड़ा सा। कुछ इस टाइप का ट्यूब होता है बेटा, थोड़ा इसको और ठीक ठाक लगे। हाँ, थोड़ा अच्छा बना दीजिए, ऐसे बीच में शेप ऐसे होता है बेटा इसका, ये स्पेशल ट्यूब होती है ये, जिसका एक्सरे हम लोग कर रहे थे इसको हटा दीजिए, इसका एक्सरे हो चुका होगा, इसको हटा दीजिए। हाँ, आ जाओ बेटा, देखो। हाँ, ये एक्सरे हम लोगों की थी, ये क्लियर, आ जाइए। ओके बेटा, चलिए अब यहां पर ये जो पोर्शन होता है हम लोगों का। हाँ, तो चलो अब यहाँ पहले इधर आ जाइए। तो यहाँ पर एक ELT बैटरी, छोटी बैटरी लगी होती बेटा, यहाँ एक बैटरी बना दीजिए, यहाँ पर एक रिजिस्टर लगा दीजिए, एक की लगाइए, लगा दिया। हाँ, यहाँ पे लगा दीजिए, और यहाँ पर एक यहाँ पर फिलामेंट बना दीजिए, बना दिया, एक फिलामेंट बना दीजिए जो इसकी से अटैच हो, कि ये रिहोस्टेट, ये लो टेंशन बैटरी। और यहाँ से इस बैटरी से या यहाँ से निकाल दिया जाए, यहाँ से लीजिए और एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना बेटा यहाँ। तो मैं ऊपर की लाइन को मिटा दूँ तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, आइए देखिए बेटा, तो यहाँ पर हो गया। अब जा देखिएगा, यहाँ पर इसको लाइए, यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाइए, ट्रांसफार्मर लगाइए, लगा दिया, और इसको लेकर के आइए यहाँ, लाकर इस इंड से जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। चले, अब ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर या सेकेंडरी कॉइल इसकी है, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल लगा दीजिए, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल ना, PS हो गया, ठीक। चले, अब क्या इसके बाद है डॉक्टर, अब यहाँ पर ये जो है ना, ये पोर्शन यहाँ से एक इस तरह से लाइए और इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करिए, और यहाँ पर वाटर, कोल्ड वाटर की सप्लाई देना है हमको, बाहर से पाइप लगा होता है बेटा, यहाँ एक पाइप लगा होता है, ठीक, और हमको यहाँ पर कोल्ड वाटर की सप्लाई देनी होती है, मीन्स कि ये है कोल्ड वाटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया आपने दोनों के बीच में, अब ये कोल्ड वाटर, और यहाँ से ड्रेनिंग सिस्टम लगा होता है जहाँ से हम वाटर को, हॉट वाटर बाहर निकाल सकते हैं, हॉट वाटर बाहर। और ये जो हमारा टारगेट है ना, तो यह पूरा टारगेट डूबा हुआ होता है किसमें,
वाटर में, कोल्ड वाटर में डूबा हुआ होता है। क्लियर? तो एक कोल्ड वाटर में डूबा हुआ होता है। वाटर की सप्लाई देखिए यहां से हम देते रहते हैं। क्यों देते रहते हैं बेटा? अब अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब लगभग ये वोल्टेज कितना होता है? तो देखिए, अब यहां पर सेकेंडरी है ना, डीसी सोर्स से हम दे नहीं सकते सप्लाई। अभी मैं देखा किसी किताब में लिखा हुआ था कि वहां पर डीसी वोल्टेज लगाया था, कि किसी किताब में देखा हो, मतलब कि इतने मतलब बेकार तरीके से रैंडम एरू गैरू लोगों ने लिख कुछ ना कुछ लिख दिया है कि आप देखेंगे तो आपका मूड खराब हो जाएगा। अब बताइए, 40,000 वोल्ट पर तो एक्सरेज होती है, 40,000 वोल्ट पर जो ह्यूमन बींग एक्सरे होता है बेटा 40,000 वोल्ट पर होता है। अब यदि 20,000 वोल्ट की ही हमको ज़रूरत हो एक्सरेज कहीं करने की, तो 20,000 वोल्ट मिलेगा कहाँ? डीसी 20,000 वोल्ट की होगी ना? तो अब जा देखिए, फिलहाल आ जाइए यहाँ पर देखिए। तो ये हो रहा बेटा, अब यहाँ जनरल जो वोल्टेज का होता है तो यह होता है, कॉमन वोल्टेज लेते हैं 40,000 वोल्ट। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए वो 40,000 वोल्ट से लेकर के 60,000 वोल्ट तक होता है। क्लियर? तो अच्छा, अब ये फिक्स नहीं है जिस किस पार्ट का करना है, तो जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है वो अच्छी तरह से जानता है कि किस वोल्ट पर वो होता है ना, वो अच्छी तरह से जानता है। फिलहाल चलिए, अब आ जाइए हम लोग का और का मेन काम बेटा। अब आ जाइए फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो अब ये तो निकल गया, ये तो हो गया, कौन सी हो गई? एक्सरेज। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हम लोग देख रहे हैं। मीन्स क्या पर लिख दो, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज किसके द्वारा? बाय कूलिज ट्यूब, बाय कूलिज ट्यूब के द्वारा प्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग, ठीक? ये किसका बना हुआ है? तो आप श्योर हैं किसका बना हुआ है बेटा? ये बना है टंगस्टन का, और किसका बना हुआ? या और किसका? मोलिब्डेनम का। प्रॉपर्टीज की मालूम ही है क्या होना है, नंबर एक पर क्या होना है? हायर मॉलिक्यूलर वेट होना है, नंबर दो पर हायर मेल्टिंग पॉइंट होनी है, नंबर तीन पर लोअर वेपर डेंसिटी होनी है, वीडी वेपर डेंसिटी होनी है बेटा। फैंटास्टिक, चलो अब आ जाइए। हाँ, और क्या है? चलो हो गया बेटा टारगेट, एक्सरेज आपकी बन गई फर्स्ट क्लास। देखो एक्सरेज यहाँ पर हो रही है, एक्सरेज ना बेटा, देखो एक्सरेज फर्स्ट क्लास की हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। चलो आ जाओ, अब मेन पॉइंट यहाँ पे है। चलो बेटा, इस बैटरी का क्या काम है? इस बैटरी, यह बैटरी क्यों यूज़ की गई है? इस बैटरी का काम है इसको हीट करना। ये क्या है? ये फिलामेंट है, एफ फिलामेंट। फिलामेंट किस लिए यूज़ करो बेटा? थर्मियानिक इमिशन। यह फिलामेंट है एफ, थर्मियानिक इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ, देखना बेटा। अब यहाँ पे लगा है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज है वी, वोल्टेज है वी। तो अभी मैं आपको जस्ट अभी देखिए, पीछे एक क्वेश्चन था, अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताया था, पढ़ाया हूँ अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्या बताया हूँ वहाँ पर? कि कोई अल्फा पार्टिकल है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल था ना, कि कोई अल्फा पार्टिकल है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो बताओ कि उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। अभी पढ़े हैं इसको ना। चलिए तो आ जा बेटा, देखो अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन थर्मियानिक इमिशन, ये कौन सा इमिशन हो रहा है यहाँ पे? थर्मियानिक इमिशन। चलो बेटा, तो थर्मियानिक इमिशन, अब जा देखना, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, वेलोसिटी वी, वोल्टेज वी है, वोल्ट वी, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अब ये इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट वेलोसिटी से जा रहा है, इसके पास कितनी एनर्जी है? इसके पास एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी कितनी है?
मास इसका एम है, चार्ज इसका ई है, चार्ज इसका ई है, मास इसका एम है, वेलोसिटी इसकी वी है, एनर्जी इसके पास कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक दिस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज एनर्जी हाउ मच, तो एनर्जी कितनी है, तो आ जाओ देखो यहाँ पर एनर्जी, जल्दी बोलिए एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी बेटा एनर्जी, अरे भाई क्यू वी डब्ल्यू बराबर क्यू वी, तो डब्ल्यू बराबर क्यू वी, मतलब यहाँ क्यू मतलब ई है, तो ई वी, वी क्या है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एनर्जी, तो ई कितना हुआ, ई है ई वी, हो गया। आ जाओ अभी कहोगे, अब यहाँ पर कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर दूँ पहले, चलो बेटा अब यहाँ पर कहोगे कि यदि इसके पास 100% इसकी एनर्जी, ध्यान दीजिएगा अब मिसाल शुरू होता है मैकेनिज्म, अब इसका शुरू होता है कि एक्सरेज का डीप में प्रोडक्शन कैसे होता है, अब शुरू होता है इसका मैकेनिज्म। चलो बेटा तो अब इसके इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, कहाँ से मिला है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिला है काइनेटिक एनर्जी, तो यह किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। फंटास्टिक, अब जा देखना, तो इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वह इतना है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ये भी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। चलो भाई समझना, ये इलेक्ट्रॉन है जा रहा है टकरा गया, तो इसने अपनी पूरी एनर्जी, मान लो कि 100% एनर्जी इसने अपना लगा दिया एक्सरे प्रोड्यूस करने में, इसने 100% एनर्जी दे दिया एक्सरेज प्रोड्यूस करने में, सपोज तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सरे ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हुई है उसके पास इस समय मैक्सिमम एनर्जी है ना, मैक्सिमम एनर्जी है ना, तो इसकी एनर्जी ये तो पक्का है, क्योंकि 100% मान के चल रहे हो, जबकि अभी होता नहीं, अभी सुनोगे कितना होता तो दंग रह जाओगे ना, तो लेकिन मान के अभी चलो कि 100% दे दिया, तो 100% दे दिया इसका मतलब कि ई का मान मैक्स था, यही ना हुआ, यानी कि 100% इसी ने अपनी एनर्जी को दे दिया, क्या करने के लिए, एक्सरे बनाने के लिए, तो जब 100% दे दिया, इससे ज़्यादा तो होता नहीं, तो जब 100% दे दिया तो इसका मतलब कि यह जो एनर्जी आई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो एक्सरे उत्पन्न हुई, इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी क्या थी बेटा, ई मैक्स थी, मैक्सिमम एनर्जी थी ना, मैक्सिमम एनर्जी है इसकी, ध्यान देना बेटा, मैक्सिमम एनर्जी है इसकी, तो यह जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है मैक्सिमम, थोड़ा जगह बना दो ना बेटा, इसकी एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी हो रही है इस समय इसके पास, देखो बेटा इसके पास एनर्जी इसकी मैक्सिमम है ना, थोड़ा एरो इसका मिट गया, बना दिया जाए, चलो हाँ, तो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है इस समय, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ई बराबर मैक्स, ई बराबर होता कितना, हाँ ई बाबा होता कितना है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, ई बाबा कितना होता है, जल्दी बोलो भाई, सुन रहा हूँ मैं, जल्दी बोलो, ई बराबर, अरे क्या होता है, ई बराबर एच न्यू, एच तो कांस्टेंट है तो मैक्सिमा मिनिमा होना नहीं, तो न्यू है तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, इसी में मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो ई को होना है मैक्स, तो क्या होगा मैक्स, ये एच नहीं है यार, ये तो कांस्टेंट है, न्यू मैक्स, तो न्यू को क्या लिखोगे, न्यू मैक्स, फैंटास्टिक, देखें क्या पा रहे हो, E बराबर एच न्यू मैक्स, यानी कि जो एनर्जी यहाँ पर आई है बेटा E बराबर एच न्यू मैक्स है, और वो किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके था, EV, तो अब जैसा एक प्रॉपर्टी हटा दूँ, नोट कर लिया हो ना ये वाला, हाँ देख लो भाई, टंगस्टन है या मॉलिब्डेनम का होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, लोअर वेपर डेंसिटी होता है, चलो आ जाओ अब, आ जाओ, चलो भाई,
हाँ आवाज़ आ फिर से। चलो बेटा अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फार्मूला आने जा रहा है। देखो अब देखो भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन व्हाट विल हैपन हियर। देखो फिर से चलो, यहाँ की कुल एनर्जी यहाँ आ गई 100%, जबकि ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन मान के चल रहे हैं कि यदि 100% इफिशियंसी होती कुल इस ट्यूब की तो क्या होता। अब आ जाओ, हेडिंग डाल दो यहाँ से, जिसने इसको सबसे पहले निकाला उनका नाम लिख दिया जाए। उनका नाम बहुत अच्छा था, डॉन नाम था उनका, बेटा डुआन हंटला। ओके बेटा, नाम डाल दो डुआन हंटला, नहीं दिया डॉन हंटला। ओके बेटा चलो, ये क्या कहता सबसे पहले, इसने ही निकाला था इस ला को। चलिए हम निकाले होते तो SDP ला होता ना, लेकिन इस पहले इसने निकाल दिया। तो चलो बेटा ओके हो गया। चलो ये दोनों एनर्जी बराबर है ना। देखो इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1। 1 and 2 बोथ शुड बी सेम बिकॉज यस द सोर्स ऑफ द दिस एनर्जी इज हियर। तो देखो तो H nu max इक्वल टू EV देख सकते हो, नो प्रॉब्लम पक्का। अब आ जाओ चलो, अब न्यू मैक्स निकालो। न्यू मैक्स बराबर कितना होता बेटा, तो न्यू मैक्स निकालना होता तो इनसे मार देते फटाफट EV/H कर देते। अच्छा आ जाओ चलो, न्यू मैक्स जहाँ पर होता है तो न्यू मैक्स बाबा क्या होता बेटा, चलो कहाँ पे लिखो जगह, चलो आ जाओ यहीं पे दिखाता हूँ। चलो आ जाओ, हाँ इधर से कर दूँ, आ जाओ चलो इधर कर देता हूँ, नोट कर लियो ना सब। चलो आ जाओ, देखो न्यू मैक्स हो गया बेटा, तो न्यू मैक्स इक्वल टू EV/H हुआ। अब जरा न्यू मैक्स को लिख सकते हो C/λ। हाँ C/λ मैक्स मिनिमा, जल्दी बोलो, जब बोलोगे वही लिखेंगे। यहाँ है न्यू मैक्स, तो न्यू मैक्स को क्या लिखूँ, C/λ मैक्स की C/λ मिनिमम, जल्दी बोलो। हाँ वेरी स्मार्ट, क्या बोले हो, लेमडा मिनिमम ना, तो लेमडा मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट। तो C/λ बराबर क्या लिखोगे, EV/H। तो यहाँ तक हो गया, ये लाइन हो गई, इतनी लाइन हुई, देखो ठीक से जल्दी से देखो भाई, C/λ मिनिमम बराबर EV/H आया कि नहीं, आ गया। तो अब चलो इधर इसको हटा देता हूँ, तो चलो अब आ जाओ फिर देखो। अब इधर हाँ हो गया भाई, चलो इसको हटा दो, नोट कर लिए होगे ना, ये देख ले नोट हो गया कि नहीं सबका, चलो हटा दो। हाँ आ जाओ, अब देखो भाई, तो C/λ मिनिमम बराबर EV/H आया, लेमडा मिनिमम चाहिए आपको, तो लेमडा मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय कूलिश ट्यूब, तो लेमडा मिनिमम विल हाउ मच, तो HC/EV। ये तो वही आया जो अभी हम लोग न्यूमेरिकल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सॉल्व कर रहे थे, इसीलिए दोनों एक साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरेज एक साथ पढ़ते हो। यदि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तैयार है, एक्सरेज फटाफट आ जाएगा सब कुछ, ताकि पूरा पोर्शन ही पूरी फिजिक्स ही ले लो ना, सब एक ही में तो है। पेपर जब देने जाओगे IIT का, जब एग्ज़ाम होगा तो चैप्टर वाइज आएगा, हाँ चैप्टर रहेगा ना, अरे मैकेनिक्स है तो ये फ्रिक्शन है तो यह हीट वाला है तो ऐसे लिखा रहेगा नहीं, एक मैकेनिक्स होगा तो मॉडर्न फिजिक्स होगा तो गेट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो तमाम दुनिया मिक्स होगा ना ना बेटा। तो जब पढ़ लेते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो ना, तो फिजिक्स ब्रांच नहीं लगती, अलग अलग नहीं लगती है, हायर जैसे जैसे ऊंचे बढ़ते जाओगे ना, पूरी फिजिक्स एक होती है। ओके कमान, देखो बेटा तो लेमडा मिनिमम अभी यही तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रहे थे ना 2-3 दिन से, अभी ज़बरदस्त तैयारी की हो इसका, सब तुम्हारा तैयार है मुझे पता है, देखो देख रहे बेटा। तो इसे कहते हैं, लिखो जल्दी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ कूलिज ट्यूब, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ
कहाँ कुलिस ट्यूब नहीं रहेगा ना बाबू, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज लिख लो ना पहले। हाँ तो लिखो, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय कूलिज ट्यूब। ओके, दिस इज द वेरी वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। क्या देखो बेटा, एक्सरेज पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, धुनाई हो रही है, धुनाई हो रही है किसकी, एक्सरेज की। ऐसे ही बेटा अभी तो यह चैनल नया है ना, अभी तो चैनल नया है, कोरोना जब समाप्त हो गया तब शुरू हुआ है। कोरोना जब समाप्त हो गया तब ये शुरू हुआ, अभी तो नया है। इंडिया में चैनल को नंबर वन होना है, आज नहीं तो कल, करने वाले आप लोग होंगे ना, आप लोग होंगे, अवश्य करेंगे आप, नहीं भी चाहेंगे तब भी आप करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, मैं इतना आपको टॉप कराऊंगा, इतना मैं नंबर दिलाऊंगा कि आप मजबूर हो जाएंगे इसको सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को बताने के लिए। पक्का? ओके, हाँ जम के पढ़ो, आ जाओ, चलो ओके कम ऑन। तो चलो बेटा, तो हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। तो लैम्डा मिनिमा इज सो मच। तो चलो बेटा याद गए लैम्डा मिनिमा। देखो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी ध्यान देना कि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, यानी कि इस कूलिज ट्यूब से जो सबसे छोटी वेवलेंथ हो सकती है वह लैम्डा मिनिमम, दिस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो सकती है, दिस लाइज द डॉन हंटला, यानी पढ़ते हैं डॉन हंटला। तो डॉन हंटला बेटा, दिस इज द लैम्डा शॉर्टेस्ट एच सी बाई ई। अब जब ध्यान देना, एच सी बाई ई के विषय में तो अभी हम लोग टेक्निक अभी सीखे हैं, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीखे हैं ना। और एच सी बाई ई क्या था, 12,375 12,375 एंगस्ट्रॉम बटा वोल्टेज रख देते हो, भी रख देते हो। और एच सी बाई ई का मान तो आपको मालूम ही है, 12,375 होता है, जिसको 12,400 लिख देते हैं कभी कभी, लेकिन 12,300 ईसा मान के ना होता बेटा, 12,375 बटा वोल्टेज, दैट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब जैसा देखो कुछ बातें बेटा, अब यहाँ से अब आगे एपिसोड में मैं यहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक यहीं से, क्योंकि अब यहाँ न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन थोड़ा सा और बातें यहाँ करनी है, बताना ऊपर ज़रूरी है। देखो अब ये चीज़ जानते हो, एक चीज़ जानते हो बेटा कि यह कूलिज ट्यूब है ना, और यहाँ पर देख रहे हो एसी वोल्टेज लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर। आज जब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो जानते हो कि ट्रांसफार्मर है तो एसी पे ही काम करता है, डीसी पे तो काम करेगा नहीं, डीसी पे काम करेगा नहीं, तो वह काम करता है एसी पर। अच्छा अब एसी पर काम करता है, और एसी की एसी पढ़ चुके हो, पीछे पढ़ा चुका हूँ, मस्त बिल्कुल फर्स्ट क्लास, तो एसी पढ़ चुके हो। अब एसी क्या होता है तो जानते हो कि एक बार में, एक सेकेंड में 50 बार जलता है, और 50 बार यानी 50 बार एक दिशा में, 50 बार यानी कि एक मतलब एक साइकिल में कितनी बार, एक साइकिल में कितनी बार, दो बार। फ्रीक्वेंसी है 50, तो 50 का मतलब क्या हुआ बेटा, 50 साइकिल बनेगी ना, यानी 50 चक्कर लगे ना, और एक साइकिल में दो बार मैक्स और दो बार मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में 100 टाइम्स एक सेकेंड में 100 टाइम्स इसका मान होगा मैक्स। तो जितने बार होगा मैक्स उतने ही बार होगा मिनिमा, तो 100 टाइम्स एक सेकेंड में 100 टाइम्स इसका मान होगा मैक्स। किसका मान यहाँ पर वोल्टेज का मान मैक्स। तो जब यह रहेगा पॉजिटिव, ध्यान देना बेटा, जब यह रहेगा पॉजिटिव, यानी ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये एसी है ना, एसी अपनी दिशा कंटिन्यूस चेंज करेगी ना, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जब देखो बेटा इधर होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसे होगी ना, ऐसे, तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे दिशा में जाता है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे दिशा में जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। यदि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिवर्स, क्योंकि आधा चक्कर में इधर होगी, आधा चक्कर में उधर होगी, हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हाफ साइकिल विल बी हियर एंड द अदर नेक्स्ट हाफ साइकिल विल बी द डायरेक्शन ऑफ जस्ट इट विल बी जस्ट रिवर्स एंड व्हेन द डायरेक्शन विल बी जस्ट रिवर्स
देन इट रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट देन इट यस अट्रैक्ट टूअर्ड द टारगेट। बातें इसका पक्का क्लियर हो गया कि नहीं यहाँ पर? यानी कि यह जो ट्रांसफार्मर है बेटा, तो यह ट्रांसफार्मर चूंकि एसी है और एसी का जानते हो कि एसी की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रहा होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो एक्सरेस निकलती है ना, वह बंच में निकलती है, वह लगातार नहीं निकलेगी। कब निकलेगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा तब ये निकलेगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ साइकिल में जब रिवर्स होगा तब यह नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इतना यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कूलिज ट्यूब वर्क्स एज, फंटास्टिक क्वेश्चन, कूलिज ट्यूब वर्क्स एज हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एज एम्पलीफायर एंड एज ऑसिलेटर, मारो निशान जो अच्छा लगे। कूलिज ट्यूब वर्क्स एज जल्दी मार दो, जो अच्छा लगे मारो जल्दी। हाँ जल्दी मारो, हमारा देखना चाहते हो? चलो भाई हम ही पहले लिखते हैं। क्या हाफ वेव रेक्टिफायर किसके जैसा काम करता है? कूलिज ट्यूब हाफ वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट द कूलिज ट्यूब वर्क्स लाइक द हाफ वेव रेक्टिफायर? तो द रीजन इज हियर, इन द हाफ साइकिल एक्स रेज विल प्रोड्यूस जस्ट इन द टाइप ऑफ द बंचेज, बंच गुच्छे के रूप में, तो बंच, एंड इन द हाफ साइकिल इट विल नॉट प्रोड्यूस। क्लियर? पक्का आ जाओ। तो यानी कि ये किसके जैसा काम करता बेटा? ये काम करता है हाफ वेव रेक्टिफायर के जैसा। अगला पॉइंट, हम लोगों ने 100% मान करके चले थे कि 100% इफिशियंसी होती है। अब जानना चाहते हो बेटा कितनी इसी इफिशियंसी होती है? लेस देन 2%, यानी कि लेस देन 2% अप्रॉक्सीमेटली जो जनरल हमारे ट्यूब होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 1% से भी कम होती है। यानी कि कूलिज ट्यूब की जरा सोच लो कि कूलिज ट्यूब की इफिशियंसी जनरली इनकी ट्यूब मैक्सिमम में 2% होती है, कूलिज ट्यूब की जनरल इफिशियंसी 1% से कम होती है। तो सिंस इफिशियंसी ऑफ द कूलिज ट्यूब इज जनरली लेस देन 1%, 1% से भी इसकी बेटा इफिशियंसी इसकी कम होती है, इफिशियंसी ईटा 1% से इसकी इफिशियंसी बेटा कम होती है, दशमलव में होती है इसकी इफिशियंसी। वेरी फैंटास्टिक पॉइंट, आप जैसा ध्यान देना बेटा। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी 1% से कम होती है, तो सवाल सपोज करो कि 1% इसकी इफिशियंसी हो गई, सपोज दैट इफिशियंसी ऑफ द कूलिज ट्यूब इज 1%। अब जैसा सोचो 1% में यदि मान लिया है कूलिज ट्यूब की इफिशियंसी, और 60,000 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है, या 40,000 वोल्ट का है, या 20,000 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है, जनरली 40,000 वोल्ट यूज करते हैं, तो 40,000 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है। अब तू सोचो कि 40,000 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी, और वह एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक, यानी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकिन किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मास इसका जम है, वेलोसिटी से वी है, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में होगी, और मेन एनर्जी कौन सी होगी? ई वी यानी क्यू वी मतलब ई वी, तो ई वी उसके पास एनर्जी है किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी है, 40,000 वोल्ट का वोल्टेज है, तो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, तो जिन्हें काइनेटिक एनर्जी है, एक ही परसेंट एक्सरे में बदला तो 99% कहाँ गया? 1% ही तो इफिशियंसी मैक्सिमम है, तो उसका 99% कहाँ गया? क्या हुआ 99%? जबरदस्त। तो इसीलिए आपको टंगस्टन लगाने की जरूरत थी जिस पे हिट करने के बाद में उसको डैमेज ना करे, तो टारगेट अपना डैमेज ना हो, यह टारगेट जल ना जाए। इतनी तेज इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है बेटा, इतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे टकराता है कि यह दूसरा कोई मेटल रख दिया जाए तो यह जल जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, यह कॉपर की एक ब्लॉक होती है बेटा, यह कॉपर की ब्लॉक होती है, और यह कॉपर की ब्लॉक इतना ही होती है। देखिएगा ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, मस्त डायग्राम देखो बेटा, ये इतना ऐसे कॉपर की ब्लॉक होती है ना बेटा, ये देखो ये रेड वाला जो है ना, ये रेड वाला कॉपर की ब्लॉक है, सी यू ब्लॉक है यह ना बेटा, ये देखो ये कॉपर की ब्लॉक है, ये कॉपर की ब्लॉक बेटा, इसी कॉपर की ब्लॉक में ना, इसी कॉपर की ब्लॉक में
इसी कॉपर की ब्लॉक में टारगेट, टारगेट तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा टारगेट होता है ना, पिन पॉइंट फोकस इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है उस पर, इधर उधर बिखरते थोड़े होता है, जितना हम इतना बड़ा बनाए इतना बड़ा थोड़े होता है। हाँ, इतना बड़ा टारगेट बहुत महंगा होता है टारगेट ना बेटा। देखो तो ये है, ये बेटा ये जो देख रहे हो तो ये है, ये अब ये क्या है, तो ये रेड जो कलर है ना, ये है क्या, कॉपर ब्लॉक, कॉपर ब्लॉक है ये। इस कॉपर ब्लॉक में अपना टारगेट टारगेट होता है और ये पिन पॉइंट फोकस जाके इलेक्ट्रॉन उस पर टकराता है, बिल्कुल यहाँ पे एक्सेस निकलती है। तो अब सवाल ये हुआ कि एक ही परसेंट एफिशिएंसी है तो 90% एनर्जी कहाँ गई, तो 90% एनर्जी अब जो लिखना बेटा कहीं पर ना, चलो नोट करो कहीं पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या कहाँ पे लिखता हूँ, चलो आ जाओ यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ यहाँ चलो आ जाओ। देखो बेटा 90% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड, हाँ 99 है ना, हाँ 99%, तो 99% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू हीट, इतना ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा, अब बताओ हाल क्या होगी यहाँ, हाँ यहाँ क्या हाल होगा यदि इतना हीट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ हाल क्या होगा, इसका हाल क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये टारगेट तो जल जाएगा ना तुरंत ही, इतनी एनर्जी इतना हीट प्रोड्यूस होगा, टोटल 99% ध्यान देना बेटा यहाँ पे 99% पूरा इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है ना उसका 99% हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी हीट को ले जाने के लिए, हीट को यहाँ से निकालने के लिए कोल्ड वाटर की सप्लाई दी जाती है, और जानते हो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द कोल्ड वाटर इज वन, दिस इज द बेस्ट मीडियम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट, कोल्ड वाटर इज द बेस्ट मीडियम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट, एंड दिस रीजन दैट व्हाई फॉर कूलिंग पर्पज कोल्ड वाटर इज द बेस्ट वे। चलो ओके कम ऑन द पॉइंट, तो कोल्ड वाटर हियर यूजेस द कोल्ड वाटर टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम ना फ्रॉम द टारगेट टू द यस आउटसाइड माइंड हेयर, तो 99% काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई, किसमें चेंज हो गई, हीट में, और हीट ने क्या किया टेम्परेचर इसका हाई कर दिया, हाई टेम्परेचर से यदि ना वाटर कोल्ड वाटर में डूबे हुए रहे हैं या पूरा या कॉपर कोल्ड वाटर में डूबा रहता है, यदि ना डूबा रहे तो क्या हो जाएगा, ना डूबा रहे ना तो हीट के कारण ये मेल्ट कर जाएगा, मेल्टिंग ना होने पाए इसलिए, मेल्टिंग ना होने पाए इसलिए कोल्ड इस पानी में ठंडे पानी में डुबाया जाता है इसको, और वह कोल्ड वाटर क्या करता है हीट को बाहर भेजता रहता है, तो कोल्ड वाटर की सप्लाई होती रहती है और हॉट वाटर बाहर निकलता रहता है, क्लियर। और यह किस रूप में काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, कैसा काम कर रहा बेटा, हाफ वेव माइंड ईयर ध्यान दीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फैंटास्टिक मजा आ गया। तो ये था क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक्स रेज, तो अभी देखा है एक्स रेज में, तो अभी खाली क्या एक्स रेज का इंट्रोडक्शन देखे हो ना, एक्स रेज का इंट्रोडक्शन देखे हो, इंट्रोडक्शन देखे हो एक्स रेज का कि एक्स रेज होता क्या है ना, तो कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, तो एक्स रेज का इंट्रोडक्शन है, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे जस्ट यहाँ से आगे, तो आप यहाँ तक तैयार कर डालेंगे सारी चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी तैयार हों, क्लियर। यानी कि यदि पढ़ रहे हों, यदि पढ़ रहे हों फिजिक्स तो लगे कि हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लियर, और इतना ब्रॉड नॉलेज आपके पास हो कि लगे कि हाँ आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं, तो क्या क्यों और कैसे। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पर रोकते हैं बेटा, आज का एपिसोड यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से आगे आफ्टर द ब्रेक इसके बाद अगला होगा। तो यह था एक्स रे से वीडियो नंबर वन, तो यह है एक्स रे का वीडियो नंबर वन, इसके बाद आप इंतज़ार करिए एक्स रे के वीडियो नंबर टू का जो यहाँ से आगे स्टार्ट होगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।